सिंगरौली में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जहां उन शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करा गया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सेवा की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने शहीदों के नामों का वाचन किया, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर अपने सम्मान और श्रद्धा के साथ शहीदों को सलामी दी। कार्यक्रम में सुशील कुमार प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सुधीर सिंह राठौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पुष्प चक्र अर्पित किए। 1959 के बाद से परंपरागत रूप से हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अगस्त 2023 से सितंबर 2024 तक में 216 जवानों और कर्मचारियों ने हमारा साथ छोड़ दिया। उन्हीं को याद करते हुए आज का दिन मनाया गया है। ये अवसर पर हमारे देश के सभी जो जवान शहीद हुए, सेना के जवान शहीद हुए, मैं सभी के याद करते हुए के चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सभी को गर्व है कि ऐसे जवानों के बदौलत हमारा देश सुरक्षित है। पुलिस शहीद दिवस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शहीद स्मारक पर मनाया जा रहा है। 1959 में चाइना और भारत के बीच लड़ाई में हमारे जो जवान पुलिस के उनका देहावसान हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उस उन्हीं की याद में हर वर्ष जो हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी शहीद होते हैं, शहीद दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और याद करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।